बाहर कौन था? वो था हनीफ। कौन हनीफ? आप हनीफ। अरे मेरा नाम महमूद है यार, और मैं तो घर पे ही हूँ। अरे दरवाजे पे कौन आया था? वो आया था ना। अरे वो कौन? मोमो? वो जो दूध देता है। अरे दूध तो भैंस देती है यार। लेकिन हमारे घर तो भैंस ने कभी दूध नहीं दिया, हमेशा वही आता है। अरे यार तुम जाओ और दूध उबालो। हाँ, दूध वाला आया था। अरे तो उसने पैसे नहीं मांगे? मांगे थे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे उल्टा डरा दिया। वो कैसे? मैंने उसे कहा परसों दूध में से छिपकली निकली है, इतनी बड़ी जिंदा। क्या? हाँ। अरे तुमने उससे झूठ क्यों बोला? मैं झूठ नहीं बोला, परसों वाकई दूध में से छिपकली निकली थी वकार। परसों कब? जब आपने दूध मांगा था ना तब। तुमने मुझे छिपकली वाला दूध पिला दिया? मैं इतनी जाहल नहीं हूँ आलम, मैंने छिपकली को पहले निकाल के बाहर फेंका के बाद दूध गर्म करके मगे में आपके लिए निकाला था। पता नहीं क्या हो गया। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? ओ कैसे हैं आप? जी जी, मैं चांदी की अम्मी बोल रही हूँ। क्या फीस नहीं दी? लेकिन हेलो, मेरी बात तो सुने। माँ जी, आप देख रही हैं अपने बेटे की हरकतें? हाँ पुत्र, बड़ा शैतान हो गया, हर वक्त बेड में छलांगे ही मारता रहता है। माँ जी मैं सोना की बात नहीं कर रही। अच्छा? माँ जी चांदी के ट्यूटर का फोन था। कौन सा वाला? माँ जी चांदी के ट्यूटर का फोन आया था अभी। क्या कह रहा था? कह रहा था कि चांदी की ट्यूशन की फीस नहीं दी, जबकि मैंने नबील को खुद पैसे दिए हैं। अरे तो तूने नबील को पैसे क्यों दिए? क्योंकि वो चांदी का बाप है। क्या इसका मतलब है चांदी मेरी पोती नहीं है? माँ जी नबील आपके बेटे का नाम है, एक तो वो खुद नौकरी नहीं करता, अब ऊपर से अपनी बेटी की ट्यूशन की फीस भी खाने लगा है। घटिया इंसान। माँ जी आप आज नबील से खुद बात करेंगी? और नहीं भाई नहीं, ये तुम दोनों के ना आपस का मामला है, मैं बीच में भला क्यों बोलूं। माँ जी जानू मैं आ गया। ₹1000 निकालो, मैंने ब्रांड फॉर लेस पे एक बड़ी अच्छी टी शर्ट देखी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए नबील। जानू इसमें शर्माने की क्या बात है, खुल के मुझसे कह लिया करो, मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ ना। शौहर ऐसे होते हैं नबील? जानू सबके शौहर ऐसे नहीं होते, चंद खुश नसीब लड़कियां होती हैं जिन्हें मिलते हैं ऐसे शौहर। शादी के बाद से आज तक तुमने कभी मेरा और मेरी बेटी का खर्चा नहीं उठाया। तुम्हें सब याद है जानू, और आज तुम इतने गिर गए हो कि अपनी बेटी की ट्यूशन फीस तक खा गए हो। अफसरात आज चांदी के ट्यूटर का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि चांदी की 2 महीनों की फीस जमा नहीं हुई। तुमने ऐसे क्यों किया नबील, जवाब दो मुझे। जानू ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी छोटी सी बेटी को ट्यूशन पढ़वाओ। कोई और बहाना नहीं मिला था तुम्हें? जानू जल्दी में बस यही समझ में आया था। बस बहुत हो गया नबील, आज के बाद मेरे पापा इस घर में कोई पैसे नहीं भेजेंगे। क्या? हाँ आज के बाद तुम मेरा और अपनी बेटी का खर्चा खुद उठाओगे, और जब तक तुम कोई काम शुरू नहीं करोगे तुम इस कमरे में एंटर भी नहीं हो सकते। जानू मैं और ताने नहीं सुन सकता, मैं अपना बिस्तर सोफे पे लगा लेता हूँ। अरे सोना, अरे तुम रो क्यों रहे हो? माँ जी मुझे चॉकलेट्स नहीं दे रही। अरे मोमो तुम मेरे बेटे को चॉकलेट्स क्यों नहीं दे रहे भाई? क्योंकि मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ। अरे मोमो ये पॉपकॉर्न नहीं चिप्स है, है? तुम फौरन मेरे बेटे को चॉकलेट्स दो। कहाँ से दूँ, चॉकलेटें तो सारी सारा ने अपनी अलमारी में संभाल के रख ली। अरे भाई तो बाजार से मंगवा दो यार। हाँ तो जाए मेरे बच्चे के लिए लेकर आए। मैं कहाँ से लेकर आऊँ यार, दुकान से और कहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है मोमो। गरीब आदमी, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने मुझसे शादी क्यों की? मोमो बाप बर्दाश्त कर लिया मैंने, जा के वो करो। वो क्या? जो सारे मर्द पैसे कमाने के लिए करते हैं। नौकरी? हाँ जा के नौकरी करो। अरे मैं अभी इस उम्र में क्या नौकरी करूँगा यार। कोई सी भी करो, लेकिन इस कमरे में जब आना जब मेरे पीतल के लिए ना पैसे कमा के बिस्कुट ला सको। सोना? हाँ मेरे पीतल के लिए सोना लेकर आओ, जा दफा हो। मोमो चुप है। तो यार यार नबील, यार ये तुम्हारी माँ बहुत ही बदतमीज हो गई है। महमूद साहब मुझे अगर खूबसूरत के बाप के पैसों से मोहब्बत ना होती
तो मैं कभी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त ना करता। नबील अब हम करें क्या? एक आइडिया है वैसे मेरे पास। वो क्या? हम अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे देते। कैसी बातें कर रहे हो यार नबील? अरे इससे तो बेहतर है कि हम कोई काम ही कर ले। तो क्या ये काम नहीं है यार नबील? क्या चला जाएगा यार, अपनी बीवियों को दिखाने के लिए कुछ दिन नौकरी कर लेते हैं। मैं अपनी बीवी की आदत खराब नहीं करना चाहता महमूद साहब। देखो बात समझने की कोशिश करो, जब हमारी बीवियों को घर के काम करने पड़ेंगे ना और बच्चे संभालने पड़ेंगे तो वो खुद ही हमारी नौकरियां छुड़वा देंगी। ठीक है महमूद साहब, आइडिया बुरा नहीं है आपका। फिर कोई ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जो जब चाहे छोड़ दें। मैं भी अखबार लेके आया। बिल्कुल सही, आज का लाइएगा, लास्ट टाइम भी आप पिछले साल वाला ले आए थे। हेलो अम्मा जी, खूबसूरत बोल रही हूँ। कहाँ से? अपने कमरे से। अलियास ने तुझे कमरे में बंद कर दिया? नहीं माँ जी, मैंने उसे अपने कमरे से निकाल दिया है। हाँ मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि जब तक तुम कमाओगे नहीं तो मैं इस कमरे में एंटर नहीं कर सकती। मैंने भी इश्फाक को कमरे से निकाल दिया है। वेरी गुड माँ जी, थैंक यू। अपने अपने शोहरों को काम पे लगाने के लिए ना उनके साथ ऐसा करना जरूरी था। हाँ पुत्र, अब हम देखते हैं कि वो कैसे काम पे नहीं जाएंगे। अवश्य। मिल गई महमूद साहब। हाँ मुझे पढ़ के सुनाओ। एक करोड़पति बाप की अकलौती और अपाहज बेटी के लिए नेक और शरीफ लड़का दरकार। नबील, अरे हमारी बीवियों ने हमें कमाने का कहा है और तुम शादियों के इश्तहार देख रहे हो। अरे महमूद साहब, इससे आसान तरीका पैसे कमाने का और क्या होगा? अरे इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए तुम एक अपाहज लड़की से शादी करोगे? अरे महमूद साहब, इस लड़की के नखरे नहीं होंगे, मैं जब चाहूंगा अपने ससुर को ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा लूंगा। अरे छोड़ो उसे यार, तुम नौकरी का इश्तहार देखो। अरे ये रहा। क्या क्या है? किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए हमसे रابطہ कायम करें। क्यों ना महमूद साहब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त शुरू कर दें। अरे यार, यहाँ खाने के पैसे नहीं है, तुम प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हो। अरे महमूद साहब, इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, इधर उधर घर ढूंढेंगे और लोगों को दिखा के पैसे ले लेंगे। अच्छा? हाँ महमूद साहब, आजकल ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। चल फिर इश्तहार देते हैं। ठीक है, लेकिन नबील हमारी कंपनी का नाम क्या होगा यार? बुलबुले प्रॉपर्टी डीलर। वाह, है ना, अदावर से अदावर। मैंने तुम जैसा ढीठ आदमी कभी नहीं देखा नबील। ओपसोरा, मैं समझी थी इतनी बेइज्जती के बाद तुम जाके फौरन नौकरी ढूंढोगे, तुम यहाँ आराम से लॉन में बैठे हो। मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा खुद चल के आएगा। नबील, ये तुमने इश्तेहार में मेरा नंबर क्यों दे दिया यार? आपको मशहूर करने के लिए महमूद साहब। अरे लोगों के फोन आ रहे हैं मेरे पास यार, वो सब घर देखना चाह रहे हैं। तो आपने अभी तक कोई घर नहीं ढूंढा? अरे मैंने सोचा कि तुम घर ढूंढोगे। अरे कमाल करते हैं महमूद साहब, आपका दिमाग तो ठीक है, मेरा काम था बिजनेस शुरू करना, आप मेहनत करके बिजनेस को आगे बढ़ाना आपका काम है। है? जाएं जाके गलियों में ढूंढें और चेक करें किस मकान के ऊपर लगा हुआ है ब्राय फरोख्त। मैं कहीं नहीं जा रहा इतनी गर्मी में। ये तुम लोग कर क्या रहे हो? जानू तुम ये चाहती थी ना मैं काम करूं, मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया है। चलो, पूरी दुनिया ने ये काम छोड़ दिया, तुम लोग शुरू कर रहे हो। जानू तुम देखना हम करते क्या है, महंगी महंगी प्रॉपर्टी बेचेंगे। रात के खाने के पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, क्या ये घर बेचोगे? महमूद साहब, क्या हुआ, क्या आइडिया दिया खूबसूरत ने, हम पार्टियों को बुलाकर ये घर दिखाएंगे। What? थैंक यू जानू। नबील, तुम जावेद साहब का घर बेचोगे? अरे महमूद साहब, पार्टी को बोलेंगे ये मॉडल घर है, ये घर दिखा के कोई और घर बेच देंगे। अरे लेकिन कौन सा घर? वो आप मुझ पर छोड़ दें। और जावेद साहब? जावेद साहब तो वैसे ही फैमिली के साथ कनाडा गए हुए हैं, जब तक वो वापस आएंगे हमारा काम हो चुका होगा। वो जो हो चुका होगा वो हमारा काम होगा। हाँ जी, आओ फिर पार्टी मिलवाएं। चले बुलाएं पार्टी। थैंक यू वेरी मच, आइडिया अच्छा था। हाँ जी, मैं मलिक हूँ। मलिक कंपनी वाला? नहीं नहीं जी, फैक्ट्री वाला। वो मुझे इश्तिहार के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। अच्छा अच्छा, आप मुझसे मॉडलिंग कराना चाहते हैं? जी, लेकिन ये सोच ले कि मैं मॉडलिंग करने के बहुत ज्यादा पैसे लेती हूँ। अरे भाई, मैं आपका घर देखने आया हूँ। आप इधर ही शूटिंग करेंगे? आए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। आइए डायरेक्टर साहब, ये हमारा है ना डाइनिंग रूम, तो उधर हमारा किचन है और इधर है लैट्रिन। आप मुझे बेडरूम दिखाइए। मैं ऐसी वैसी मॉडल नहीं हूँ। अरे नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। अच्छा माँ जी, ये कौन है? पुत्र, ये मुझसे इश्तहार में काम कराना चाह रहे हैं, मॉडलिंग का। क्या? हाँ अम्मा जी, आपको गलतफहमी हुई है ना। आप इसे अम्मा क्यों कह रहे हैं, ये तो आपसे बहुत छोटी है। अरे मैं तो आपको अम्मा जी कह रहा हूँ। अरे भाई, आप लोगों ने घर बेचने का इश्तहार दिया था ना, तो मैं घर खरीदने आया हूँ। अरे आप आ गए, मैं आपको गली में ढूंढ रहा था। लॉन में बैठते हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। माँ जी, आप चाय लेके आए?
नहीं, आपको नहीं कहा, मुझे क्या है। जाए माजी प्लीज, मेहमान साहब पार्टी आ गई। आए आए आए। अरे भाई मुझे आपका ये घर बहुत पसंद आया। ये घर महमूद साहब कंट्रोल। क्या डिमांड है आपकी? सिर्फ 2 करोड़। नबील क्या कर रहे हो, जावेद साहब जान से मार देंगे। कौन जावेद साहब? महमूद साहब के बचपन के दोस्त है जावेद साहब, वो एक्चुअली ये घर खरीदना चाहते थे। अब अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनको नहीं दे रहे आपको दे रहे हैं, तो वो हमें जान से मार देंगे, ये कह रहे हैं। भाई घर तो अभी ये मेरा हो गया, अब मैं ये किसी को बेचने नहीं दूंगा। हाँ लेकिन हम ऐसे कैसे रोकेंगे लोगों को, यू नो? अरे मैं आपको टोकन दे देता हूँ। अरे हम टोकन का क्या करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। महमूद साहब टोकन का मतलब होता है एडवांस, आप टोकन ना बने। 10 लाख रुपए ठीक होंगे? 10 लाख? 10 लाख टोकन के लिए ठीक है। हाँ टोकन के लिए ठीक है। चले ठीक है, अब आप कागजात वगैरह तैयार करें, मैं 4 दिन बाद आके पूरी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब मैं चलता हूँ। महमूद साहब जाएं, इन्हें गाड़ी में बिठा के आए। इन्हें जिसमें बैठा के आना है वो गाड़ी है। हाँ जी उन्हीं की गाड़ी है, जाएं। तुम्हें शक क्या कि कहीं ये वापस ना आ जाए? मैं मुसाफ फीकी ना करें, खुदा का वास्ता जाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। हाय मैं मर गया, 10 लाख रुपए का चेक। माँ जी। हाँ जी। जरा मेरे साथ बाहर आइए। क्या हूँ? जरा देखिए अपने बेटे के करतूत। ओए मेरे बेटे के पास करतूत कहाँ से आ गए, चल मैं देखूं। नबील जानू, तुम ये कहती थी ना मैं घर में बैठ के कुछ नहीं करता, मैंने 10 मिनट में 10 लाख का चेक कमाया। माँ जी देखा आपने? हाय मेरा लाल, मैं तेरे सदके वारी। माँ जी ये फ्रॉड के पैसे हैं। कौन फ्रॉड? माँ जी इन लोगों ने जावेद साहब का घर बेच दिया है। क्या? ओ नहीं माँ जी, अभी तो सिर्फ टोकन लिया है। नबील अब तुम ऐसी बेईमानी से पैसे कमाओगे? खूबसूरत, दुनिया में ईमानदार आदमी की कोई कदर नहीं, मैंने बहुत जी के देख लिया ईमानदारी के साथ। अरे 2-2 कौड़ी के लोग मुझे बेइज्जत करते हैं, अली इमरान जैसे, सब मुझे घर दामाद कहते हैं, घर दामाद। मैंने बड़ी सहली बेइज्जती, अब मैं तुम्हारे बाप से ज्यादा अमीर आदमी बनके दिखाऊंगा। माँ जी मुझे आशीर्वाद दें। जा मेरा पुत्र, जी ले अपनी जिंदगी। माँ जी पीछे हटो गरीब। माँ जी आप बजाय अपने बेटे को रोकने की उसे शाबाश दे रही हैं। चुप। हाँ हाँ यार मर्सिडीज, ब्लैक नहीं वाइट दो यार, पाकिस्तान में मिट्टी बड़ी पड़ती है। और सुनो एस क्लास की होनी चाहिए, मुझे और कोई क्लास नहीं चाहिए। ओके बाय। नबील महमूद साहब हमारे दिन बदलने वाले हैं। यार नबील ये तुम क्या कर रहे हो यार, तुमने जावेद साहब का घर बेच दिया। अरे वो आएंगे तो क्या होगा? अरे महमूद साहब जब तक वो आएंगे हम मलेशिया जा चुके होंगे। क्या? हाँ महमूद साहब मलेशिया में अपनी प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लेंगे। अरे लेकिन इस घर के कागजात का क्या करोगे? महमूद साहब आप फिक्र ना करें, 5,000 में बनते हैं, मैंने सब पता कर लिया। और जो फोन आ रहे हैं पार्टियों के घर देखने के लिए उन्हें मना कर दूं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, सबको दिखाएं एडवांस पकड़े बस। क्या? अरे महमूद साहब जितने पैसे ज्यादा जमा होंगे उतनी अय्याशी के साथ हम मलेशिया में रहेंगे। अरे तो क्या सबको यही घर बेचना है? हाँ हाँ सबको बुलाएं, दावत नामे बटवा दें। अशाबाशे, ये चीज मेरे अजीज, ये दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। वाह माँ जी वाह, वाह 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 वाह, आपने ये बात करके अपना मलेशिया का पासपोर्ट पक्का कर लिया। यार नबील अब तक कितने पैसे इकट्ठे हो गए? महमूद साहब आप सुनेंगे ना तो आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जानी है। हाय ला, आप लोग ना अपने पैर कुर्सियों पे रख के तो सुनना। अच्छा हाँ नबील अब बताओ। पूरा 1 करोड़ रुपया महमूद साहब। 1 करोड़? हेलो हाँ जी, नहीं नहीं जी घर का सौदा हो गया है। अरे क्या कर रहे हैं महमूद साहब, फोन मुझे दें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नबील बात कर रहा हूँ, इस घर का मालिक। जी सौदा तो हो चुका है लेकिन कोई मसला नहीं, अगर आप पैसे ज्यादा ऑफर करेंगे तो यकीनन हम आपको देंगे। 50 लाख एडवांस?
आप एक काम करें, आप जल्दी से आ जाए प्लीज, जल्दी से प्लीज। महमूद साहब 1.5 करोड़ हो गए। या नबील, मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, तुम इस पार्टी को मत बुलवाओ। महमूद साहब ये आखिरी पार्टी है, इससे पैसे पकड़ के डायरेक्ट मलेशिया। मैं घर का सौदा करने आया हूँ, पैसे लाया हूँ। आप पैसे देने आए हैं, पैसे लूटने आया? आपने मुंह पे नकाब क्यों पहना हुआ है? अरे जनाब, आपको हालात का तो पता है, कोई पहचान ना ले, इसीलिए ऐसे आया हूँ। या पैसे मुंह में रख के लाए हैं? नहीं नहीं, बैग में। अरे भाई, तो फिर बैग छुपाना था ना। छोड़े महमूद साहब, हमने कौन सा मुंह देख के पैसे काम कर देने हैं। आए अंदर जी, आए आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। और बाकी के 1.5 करोड़ वो मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तब तक आप मुझे घर के कागजात दिखा दें। कागजात? हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। महमूद साहब कागजात लेके आइए। यार वो तुम्हारे बंदे ने अभी तक बना कर नहीं दिए। एक्चुअली कागजात हमने बैंक में जमा करा दिए। अरे कोई बात नहीं, मैं अपने साथ लाया हूँ, जरा बैग दीजिएगा। यही है ना? अरे वाह, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये आपके पास कहाँ से आए? नहीं जावेद साहब, अबे मैंने तुम पर भरोसा किया, शूटिंग के लिए अपना घर तुम्हें दिया और तुम मेरा ही घर मुझे बेच रहे हो। नबील, मैं मलेशिया की टिकट लेके अभी आया। अभी तुम लोग मलेशिया नहीं, मलीर की जेल जाओगे। महमूद साहब, हम जहाँ जाएंगे वो मलीर की जेल होगी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।